नहीं करेंगे। मतलब मैंने किया क्या ये तो बोलो ना। चल जाएगा, मतलब जो ये तुम दिन भर कष्ट लगाते फिर रहे होते हो ना, ये सब तुम्हें अब इसका फल मिलने वाला है। तुम्हारे पास कोई सबूत है? सबूत हाँ दो ना मुझे। मैं तुम्हें क्यों दूँ सबूत? मुझे सबूत दो ना। सबूत तो मैं पापा को दूंगी ना, तुम्हें किस खुशी पे दूँ सबूत? तुम कौन हो इतने बड़े हो, इतने सब बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हो, बड़ी बहन के सामने तो तुम्हें शर्म नहीं आती है? अच्छा? खाली बैठ के दिन भर सिगरेट पीते रहते हो, कोई काम करते नहीं हो, पढ़ाई करते नहीं हो। तू जब गई थी उस दिन सहेली के साथ, क्या मैंने तुम्हारी साइड नहीं ली? क्या कौन सी तुम्हारी साइड नहीं ली? मैंने पापा को शिकायत किसने लगाई थी? मैंने कहा तू जब गई थी सहेली के साथ मैंने साइड नहीं ली थी तुम्हारी। तुमने साइड ली थी पापा को मुझे दिखाने के लिए, ठीक है ना? पीछे से जब सहेली की तरह घर गई थी ना, तो तुमने पीछे से पापा को सारा कुछ बता दिया। हाँ जी, मैंने कब बताया था? मुझे क्या पता, ऐसा ही होता है यार मेरे साथ। जब मैं सहेली के घर थी पीछे से बता दिया था। नहीं, ऐसा ही होता है मेरे साथ। हाँ, मुझे पता है, मैं अपनी सिस्टर की केयर करता हूँ, मैं अपनी सिस्टर की केयर करता हूँ और मेरी सिस्टर। अपने कारोबार को बढ़ाइए, अपने कारोबार का प्रचार करें जम्मू एंड कश्मीर के फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यूज पोर्टल द बोल्ड वॉइस में एडवर्टीजमेंट देकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को यकीनी बनाएं। मजीद जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 7006606193 पर राबिता करें। स्टूडियो है ये मुंबई से आए हैं, यहाँ पे हनवारा में आए हैं, यहाँ पे कश्मीर में। तो इनका जो काम है, जो यहाँ के यूथ हैं, पीपल जो है 15 to 20, 55 ईयर्स तक जो है बंदे जो ये यहाँ पे आज हम मौसी की स्टूडियो में आए हुए हैं, तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने एक्टिंग स्किल्स को शो कर सकते हैं दुनिया तक, ठीक है? और यहाँ पर इन लोगों ने हमें प्लेटफॉर्म दिया हंदवाड़ा में, तो मतलब हंदवाड़ा का जो भी बाशिंदा या जो भी लड़का लड़की स्टूडेंट कोई भी है, तो वो यहाँ पर आकर अपना टैलेंट शो कर सकता है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है, आई थिंक ये सब के साथ होना चाहिए, मतलब डेली डेली भी होना चाहिए, डेली बेसिस पे या वीकली मंथली बेसिस पर होना चाहिए, और ज़्यादातर ये प्रोग्राम होते जाने चाहिए। थैंक यू। मेरे सामने ज्यादा चपड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं है, तेरी सारी लफंगी बाजी अबू के सामने निकाले ना, 2 मिनट में घर से बाहर हो जाओगे, और इस बार अम्मी भी बचा नहीं पाएंगी तुम्हें। फिर जाना बंगस वैली अपने दोस्तों के साथ उधरी लफंगी बाजी करना, आज तो अम्मी को भी बताकर रहूंगी, अबू को भी बताकर रहूंगी। अरे देखो वो अबू आ गए। कैसा उल्लू बनाया। ओ हेलो आसिफ भैया, तुम्हारी तो वाट लग गई। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारा सब कुछ राज फाश कर दिया तुम्हारे पापा के सामने। क्या बोला? मतलब यही जो तुम करते हो। क्या करता हूँ? वो तुम्हें पापा खुद ही बताएंगे। जरा बोलो क्या करता हूँ, तूने क्या देखा मेरे मतलब? पापा मार्केट गए हैं, उनको आने दो। हाँ? जब वो आएंगे ना, तुम्हारे लिए ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर आएंगे। मतलब मैंने किया क्या ये वो तो बोलो ना। चल जाएगा, मतलब जो ये तुम दिन भर कष्ट लगाते फिर रहे होते हो ना। हाँ? ये सब तुम्हें अब इसका फल मिलने वाला है। तुम्हारे पास कोई सबूत है? सबूत हाँ दो ना मुझे। मैं तुम्हें क्यों दूँ सबूत? मुझे सबूत दो ना। सबूत तो मैं पापा को दूंगी, तुम्हें किस खुशी पे दूँ सबूत? तुम कौन हो इतने बड़े हो, इतने सब बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हो, बड़ी बहन के सामने तो तुम्हें शर्म नहीं आती है? अच्छा? खाली बैठ के दिन भर सिगरेट पीते रहते। अच्छा? हो कोई काम करते नहीं हो, पढ़ाई करते नहीं हो। तू जब गई थी उस दिन सहेली के साथ, क्या मैंने तुम्हारी साइड नहीं ली? क्या कौन सी तुम्हारी साइड नहीं ली? मैं पापा को शिकायत किसने लगाई थी? मैंने कहा तू जब गई थी सहेली के साथ मैंने साइड नहीं ली थी तुम्हारी। तुमने
साइड ली थी पापा को मुझे दिखाने के लिए, ठीक है। पीछे से जब मैं सहेली की तरह से घर गई थी ना, तो तुमने पीछे से पापा को सारा कुछ बता दिया। हाँ जी, मैंने कब बताया था, मैंने कब बताया था, मुझे क्या पता, ऐसा ही होता है यार मेरे साथ। जब मैं सहेली के घर थी, पीछे से बता दिया था, तो नहीं ऐसा ही होता है मेरे साथ, मुझे पता है। मैं अपनी सिस्टर की केयर करता हूँ, मैं अपनी सिस्टर की केयर करता हूँ, और मेरी सिस्टर मेरे पीठ पीछे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन।